अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी। सफ़र का आगाज़ हो चुका है तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑरेंज लाइन स्टेशन। और मेरे वहाँ पहुँचते ही मेरी टीम, मेरे हम सफ़र, वो भी तशरीफ़ ला चुके थे क्योंकि वो भी आज मेरे इस सफ़र में शामिल हैं। और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमें ये सरप्राइज़ मिला कि हमारी ट्रेन 2 घंटे अभी और लेट है। तो हमने सोचा रेलवे स्टेशन में इंतज़ार करने की बजाय हम बाहर थोड़ा घूम फिर लेते हैं। दो घंटे बेहद इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारी ट्रेन आ ही गई। सफ़र का आगाज़ हो चुका था और ये हम सब का ज़िंदगी में ट्रेन का पहला सफ़र था क्योंकि सभी इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं गुजरात, अनफॉर्चुनेटली गुजरात। और यहाँ पर आपका भाई एक नाकाम शाहरुख खान और सिमरन वाला सीन करने के गर्ज से नीचे उतरा, बट टीटी ने मुझे बिल्कुल इजाजत ना दी। ना मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा, वैसे प्यार मोहब्बत वाली एक बातें बताने जा रहा हूँ। मैंने लिटरली मेरी जिंदगी का ये ना सबसे पहला सफर है, मैं सबसे पहले जो है ना वो कभी भी जो है ना वो मैं ट्रेन का जो है ना सफर नहीं किया है। पहली दफा मेरा है, मैं लाहौर से जो है ना वो पिंडी जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। और वेल एंड गुड, सुनने में आता है कि रेलवे का कोई इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि माशाल्लाह, मुझे तो जो है ना वो लिटरली उसके ओपोजिट लगा है। ये एसी बिजनेस क्लास है, तेज गम के नाम से। तो लिटरली मुझे इतना अच्छा लगा, इतना जो है वो पुरसकून इन्वायरमेंट है, सुकून है यहाँ पे, कोई इतना शोर नहीं है। मैंने अभी ऊपर कैबिन पे भी मैं लेटा रहा हूँ थोड़ी देर, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि कोई जर्किंग मूवमेंट जो है ना वो भी नहीं आ रही। तो इतना आरामदेह सफर था कि मुझे जो है ना फील नहीं हो रहा। इसके अलावा मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो इतने एस्थेटिक व्यूज आ रहे हैं ना, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। रिजवान भी आ गया, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एस्थेटिक व्यूज आ रहे हैं, मैंने अभी बनाए हैं थोड़े बाहर, वो मैं आपको साथ जो है ना वो शेयर करता जाऊंगा। इसके अलावा मेरे साथ रिजवान मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंह नर्सिंग विंग। तो रिजवान से मैं सुनने में सुनूंगा थोड़ा कि रिजवान आप ही मुझे बताएं कि आपके क्या तासुर हैं ट्रेन के वाले से। यार मेरी तो पहली वो है ना, और फिल्म वाली मेरी भी फर्स्ट टाइम है, मेरी भी फर्स्ट टाइम फिल्म वाली फीलिंग आ रही है मुझे। फिल्मों वाला सीन पता क्या है, यहाँ पे ऐसे कैबिन है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म यहाँ पे फाइट हो रही होती। आपको बताऊं जिंदगी एक ट्रेन की मानद है जो इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ कुछ एस्थेटिक्स शेयर करूंगा कि ट्रेन की जो है ना वो बाहर से कैसी लुक आती है। चलिए देखो, तो 6 घंटे की मुसाफत के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे रावलपिंडी। जी रात तो फिर हम लेट हो गए थे, आके बड़े थके हुए थे, तो आगे हम जो है ना वो सो गए। सुबह उठ के जो है ना वो जल्दी तैयार भी होना था, जैसे कि अब हम हो चुके हैं।
तैयार भी तैयार हो गया है, अब्दुल्ला भी हो गया है। ठीक है, तो अभी टीम हमारी जो है ना वो उधर तैयार हो रही है, जैसे ही वो तैयार होते हैं तो हमने निकल जाना है RMU रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने जो है ना वो टीम से भी मिलाता हूँ। तो फाइनली ये है वो जगह जिसके लिए हम लाहौर से रावलपिंडी तशरीफ लाए, NLS नेशनल लीडरशिप समिट सिंक पाकिस्तान। यहाँ पे ना रिजवान की थी स्पीच और भाईजान की तलावत है स्टार्टिंग में, तो इनका फोबिया ख़त्म करने के लिए इनको मैं स्टेज पे लेके आया हूँ। ये देखें, ये स्टेज पे है। ठीक है, मैंने कहा इनका फोबिया ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है ना धक धक फील हो रहा है ना। वही शफीक अहमद वाला काम हो गया है, रोटी जिसके लिए आप लोग आए थे, ऐसा ही खाने के लिए आए थे, इनको मिल गया। मैंने 3 डब्बे खाए, 14 डब्बा चुराया है जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे, लेकिन कोई नहीं माशाल्लाह। सुबह NLS जो इवेंट हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, सारा बहुत अच्छा गया। ठीक है, बड़ी इन्वाइट, सो वो नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा इस्लामाबाद भी घूमते हैं। पहली दफा आया ना, जो पहली दफा आता है वो थोड़ा शोखा तो होता है ना, वो देखना चाहता है जोश जज्बा जो है ना वो हिलाना। बिलावल वाली बात करते हैं, करना चाह रहे हैं आपका जोश जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। बिलावल जी, इवेंट खत्म हो गया था हमारा, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस्लामाबाद फिर रहे हैं, तो हम आए हैं। कौन सी जगह है ये? जगह है जी अयूब पार्क के नाम से डिया, तो ये 2-4 किलोमीटर की ड्राइव पे थी हमारे उधर, तो हमने सोचा कि चलें जाके इसको विज़िट कर लेते हैं। देखने में तो कह रहे हैं कि ग्रीनरी अच्छी है, फिर इसके अंदर जो है मुझे तो रश ही बड़ा नज़र आ रहा है, बड़ी वाम है। चलो देखते हैं क्या सीन है, आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर इम्तियाज़ सस्ता इमरान खान बनने की कोशिश में बनी गाला वाली वाक करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, हम बनी गाला की सड़क पे फिर रहे हैं और हम विश कर रहे हैं कि खान साहब हमें कहीं से मिल जाएं। अच्छा, यहाँ पे खान साहब नहीं है, कोई बनी गाला नहीं है। ठीक है, आप इधर अयूब पार्क आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खान फिर रहे हो। खान वैसे भी ये डाला जेल में है, तो खान के साथ जो हमारी मोहब्बतें हैं वो हमेशा कायम रहेंगी, वो जेल के बाहर अंदर जो भी है मैटर नहीं करता, खान साहब आएंगे मेरे पता नहीं। इसके बाद हमें इंटेलिजेंस उठा के ले जाए, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मे भी हमारा ये लास्ट व्लॉग हो, सो लाइक कर दें प्लीज। हाँ, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो गाय
गाइस वेलकम बैक अगेन, वी आर डॉक्टर अली हसन ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो ये मुझे कह रहे थे अभी कि आप जो है ना मुझे व्लॉग में नहीं लिया। वही ना यार, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन माय व्लॉग। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के एनालिसिस के बारे में? आपका क्या ख्याल है? बल्कि मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है और ओवरऑल बहुत अच्छा है। और आप लोग, अब ये है कि आप लोग गेस्ट थे, अटेंड किया, आप लोग बताएं कैसा रहा आपका? हमारा, मैं कह रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ना 22 से जो है ना वो 23rd वाला, मैं कहता हूँ हैवी, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं थी और इसमें तो ओवरऑल वो एंजॉयड। और आपकी जो है, हम लोग सारे सदर में इस टाइम वॉक कर रहे हैं और हम जा रहे हैं फ्रेस्को, जहाँ पे फ्रेस्को जनरल मीटिंग हुई थी। इधर हमारे साथ नर्सिंग विंग भी और लाइट हेल्थ साइंस के मेंबर्स भी हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जाके सारे और फिर वापस हम निकले रावलपिंडी स्टेशन, दोबारा 12 बजे की ट्रेन ली और वापस लाहौर सुबह 5 बजे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। और मेरे लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी यादें समेट ली और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी उस टीम का। वाकई तुम दिल के हीरे इंसान हो।